दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं या फिर कोई ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आपके लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक नॉर्मल बोर्ड की या फिर एक डिजिटल बोर्ड की जिस पर आप प्रेजेंटेशन कर पाएं या फिर कोई ऑनलाइन टीचिंग कर पाएं। लेकिन इन सबसे हट के अगर आपको कोई ड्रॉइंग करना है या फिर डिजिटल ई सिग्नेचर करना है या फिर कोई फोटो एडिटिंग करना है या फिर ऑनलाइन टीचिंग भी करना है बिना फीस दिखाए और ऑनलाइन आपके प्रेजेंटेशन करना है तो आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी एक डिजिटल राइटिंग पैड की, जिसको ग्राफिक पैड भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ग्राफिक पैड के बारे में बताना हूँ। अगर आपके लिए सुटेबल लगता है तो आप इसको परचेज जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो डिजिटल राइटिंग पैड वैक F15 पर रिलेटेड है। वैक F15 आपको इस तरह का डिजाइन दिखेगा और इसका जो डायमेंशन है वो आपको मिलेगा 14.9 × 7.87 इंच, यानी कि जो आपका वर्किंग एरिया होगा वो थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा, वो होगा 10 × 6 इंच का, राइट। और इसकी जो थिकनेस होगी वो 9 mm की होगी। इसमें आपको दोस्तों कुछ शॉर्टकट कीज मिल जाते हैं जो कि 12 शॉर्टकट कीज हैं। ये शॉर्टकट कीज आप कस्टमाइज कर सकते हैं जब आप अपने कंप्यूटर या पीसी में लगाते हैं, तो वहाँ पर इन शॉर्टकट कीज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, राइट। बात कर लेते हैं दोस्तों कि डिजिटल राइटिंग पैड किसको सपोर्ट करेगा। ये आपके विंडोज 7 से लेकर अभी तक लेटेस्ट जो वर्जन है उसको सपोर्ट करेगा। मैक 10.12 से लेकर अभी तक का जो लेटेस्ट है उसको सपोर्ट करेगा। आपको बता दूं कि ये आपके एंड्रॉयड को भी सपोर्ट करेगा। इसको सपोर्ट कराने के लिए आपको अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में एक ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा जो कि वैक A15 का होगा, वैक कंपनी का होगा। उससे पहले अगर आपने इससे पहले कुछ अपने कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल कर रखा है दूसरी कंपनी का, तो उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपका ड्राइवर, देन आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। इस ग्राफिक पैड के साथ आपको बैटरी स्टाइल्स फ्री पेन मिलेगा जिसमें 2 शॉर्टकट कीज रहते हैं, एक तो पेन और इरेजर का एक ही ऑप्शन रहेगा एंड दूसरा रहेगा माउस का। वहाँ से आप अपने राइटिंग पैड पर ही आप अपने पेन को ड्रॉ करके एक माउस की तरह से अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगता है जब अपने पेन से अपने कंप्यूटर को आप मॉनिटर करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं, तो आप डायरेक्टली आप पेन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस पेन का जो प्रेशर सेंसिटिव होगा वो 8192 लेवल्स होगा। इस पेन के साथ आपको 20 नीब्स मिलते हैं। नीब्स का मतलब अगर आपके पास जो पेन का जो आगे जो नोक होती है वो उसको नीब्स बोलते हैं, अगर ये टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है तो आपके पास 20 रिप्लेसेबल नीब्स मिल जाएंगी, उसको आप रीयूज कर सकते हैं, अलग अलग नीब्स मिल जाते हैं आपको। ये पेन आपको प्लस माइनस 60 डिग्री टिल्ट फंक्शन भी देता है, यानी कि आप अपने पेन को 60 डिग्री टिल्ट करके भी कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। इस राइटिंग पैड के साथ आपको टाइप सी इंटरफेस पोर्ट मिलेगा जो कि आपके पैड से लेके कनेक्ट होके और आपके कंप्यूटर या फिर पीसी में जाके कनेक्ट होता है, जो कि दोनों में कनेक्शन बना कर रखता है और आप अपने पैड से अपने कंप्यूटर या फिर पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ से आप कोई ड्राइंग कर सकते हैं, कोई एडिटिंग कर सकते हैं या फिर आप डिजिटल कुछ सिग्नेचर कर सकते हैं या फिर डिजिटल प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। कुछ नोट बनाना है तो आप अपनी राइटिंग पैड से ही नोट बना सकते हैं। काफ़ी सिंपल हो जाता है अगर आप अपने नोट पैड के साथ यानी कि डिजिटल राइटिंग पैड के साथ कुछ काम करते हैं तो आपके साथ बहुत आसानी रहता है। स्केचिंग भी कर सकते हैं तो काफ़ी सिंपल हो जाता है। लास्ट में इसके प्राइस की हम बात करें तो आपको ये अमेजन पर 5000 के आसपास मिल जाएगा। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप लेटेस्ट प्राइस देख सकते हैं, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और इसका ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि कैसे इसके ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद कैसे अपने कंप्यूटर में राइटिंग पैड को कस्टमाइज करते हैं, सारे कीज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।